बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल जिया द क्रिएटिव शेफ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सबसे जबरदस्त और क्रिस्पी गोलगप्पे तमाम ट्रिक्स और टिप्स के साथ। ये देखिए गोलगप्पा कितना क्रंची और क्रिस्पी है। साथ ही हम बनाएंगे कॉर्नफ्लोर वाली मीठी चटनी और गोलगप्पों की स्पाइसी फिलिंग। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके गोलगप्पे फूलते क्यों नहीं हैं, और अगर फूल जाते हैं तो क्रिस्पी क्यों नहीं बनते, थोड़ी देर बाद सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं। तमाम टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 कप फाइन सूजी। ये बारीक सूजी है जो इजीली बाजार से मिल जाती है, और गोलगप्पों में इसी सूजी का यूज होता है ताकि गोलगप्पे क्रिस्पी बने। और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ इसमें 1/2 कप ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा। साथ ही साथ इसमें जा रहा है मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। फर्स्ट स्टेप पे मैं सूजी में पानी ऐड करूंगी हसबे जरूरत, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आर पर्पज फ्लोर जो मैंने 1/2 कप लिया है। सोडा और जो मैंने नमक इस सूजी में मिक्स किया है उसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ, और आप ये देख सकते हैं सूजी कितनी फाइन है। साथ ही साथ मैं नीम गर्म पानी यूज करूंगी और अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी डो जब बने तो वो सॉफ्ट हो। पानी को सूजी में मैंने मिक्स कर दिया है, और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि सूजी ने जो एक्सपेंड होना होता है, फूलना होता है, वो फूल ले। और उसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी, और आपको मैं दिखा दूं, मैंने यहाँ पे ये वाला मेजरिंग कप यूज़ किया था। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से आपने इसमें बेकिंग सोडा और नमक का यूज़ करना होगा। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने सूजी को रेस्ट दे दिया था। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1/2 कप ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा, और फिर इसको अच्छी तरह नीट कर लेना। मैदा ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया है ताकि ये एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरा ये बहुत अच्छी बढ़ने का काम करे। मुझे एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी सूजी में इतना मॉइस्चर था कि मैंने जब इसमें मैदा ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और मैंने अच्छे से नीट कर लिया इसको। अब मैं आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दूंगी। आप किसी कवर से भी रैप कर सकते हैं ऊपर, नहीं तो क्लिंग रैप की मदद से आप इसको अच्छी तरह कवर करके रख दें। जस्ट आधे घंटे का हमने इसको रेस्ट देना है, और उसके बाद हम इसके गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है, और हमारा आटा जो या जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप खुश्के का भी यूज़ कर सकते हैं यानी खुश्क मैदा, या आप ऑयल लगा के भी इसके गोलगप्पे बना सकते हैं। डो को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, और अब मैं इसकी अच्छे से एक रोटी बेल लूँगी, और उसके बाद कटर की मदद से हम राउंड राउंड शेप में गोलगप्पे बना लेंगे, और सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। बेलन की मदद से इसको बिल्कुल बारीक हम बेल लेंगे, और हर तरफ से इसको इक्वली हमने बेलना है ताकि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो अच्छे से फूल जाएं, और जब वो बने तो क्रिस्पी बने। देख सकते हैं मैंने बारीक सी रोटी जो है वो बेल ली है, और अब मैं कटर की मदद से गोल गोल राउंड जो है कट लगाती जाऊंगी ऐसे। देख सकते हैं कटर की मदद से या मैंने ढकने की मदद से ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है ये डो का, इसको मैं ऐसे रिमूव कर दूंगी। इतना इजी तरीका था ये गोलगप्पे की पूरी बनाने का, और अब मैं इसको उठा के प्लेट में रख दूंगी, और ऊपर कॉटन का गीला कपड़ा या कोई भी कपड़ा आप ऊपर रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और छोटे साइज का आपने कोई भी कटर लेना है, क्योंकि अगर बड़े साइज का लेंगे तो खाने में मुश्किल होगी। रोटी बेल के जो मैं आपको गोलगप्पे कहने या गोलगप्पों की पूरियां मैं कट करना दिखा रही थी, उनको यहाँ पे मैंने आराम से इस तरह रख दिया है प्लेट पे, और मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी उसी कॉटन के कपड़े से। आप गीला भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, और 15 मिनट बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने गोलगप्पों की जो मैंने पूरियाँ तैयार कर ली थी वो यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। 15 मिनट के लिए मैंने गीले कपड़े से कवर की करके रखी रखा है, और जो बकाया मैंने बाद में बेली है वो इस कपड़े के नीचे पड़ी हुई है। जब मैं इनको फ्राई करने लगूंगी तो मैं इसके ऊपर से गीला कपड़ा हटा दूंगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ये अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि गोलगप्पों को कैसे फ्राई करते हैं। कोई भी ऐसा गोल बर्तन ले लीजिए। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या होती है कि आपने जो पूरी है गोलगप्पे की, इसकी निचली साइड को आपने ऐसे ऊपर कर लेना है ताकि जब हम फ्राई करने लगें, एक एक डालना तो मुश्किल हो जाता है, जो इसकी निचली साइड है वो घी में जाते हुए बिल्कुल नीचे ही जाए। ठीक है,
ऐसे हम रखते जाएंगे सारी पूड़ियाँ। निचली साइड कटोरे के ऊपर वाली साइड बन जाएगी और जब हम ऑयल में डालेंगे तो ये निचली साइड होगी पूरी की, वो निचली साइड ही जाएगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं जो मैंने गोल बर्तन के ऊपर पूरियाँ उल्टी की थी गोल गप्पे की, वो मैं इसमें उल्टाने लगी हूँ। और ऐसे ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त ही हो चुकी हैं। ये साइड चेंज करते हैं इनकी, ये देख सकते हैं हमारे सारे गोलगप्पे अच्छे से फूल चुके हैं। मैंने साइज छोटा लिया है कि खाने में मुश्किल होती है अगर बड़ा साइज हो। और ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे गोलगप्पे, आप हवा से देख भी सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं ये। और इनको आप लिए हवा में रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए और ये अच्छे से मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। गप्पों को छानने में निकालू ताकि जो एक्स्ट्रा घी या ऑयल है नीचे से वो निकलता जाएगा। मैंने पानी को पैन में डाल दिया है इमली के, और आपने ध्यान रखना है कि जो खट्टी चीज़ होती है वो नॉन स्टिक के पैन में नहीं बनती। एक तो पैन ख़राब हो जाता है, दूसरा जो उसके ऊपर केमिकल होता है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर मैंने ले ली है 2 टेबल स्पून इसमें भर के, कि आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 पिंच के बराबर नमक, ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है रेड मिर्ची सुरख मिर्च, जा रही है सुंड 1/2 टीस्पून। मेन इंग्रेडिएंट है चटनी का, इसे बॉयल आने देंगे पानी को और उसके बाद एक मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे। और जो सिंपल चटनी होती है ये, लेकिन होती बहुत ज़बरदस्त है। यही चटनी समोसों के साथ भी यूज़ होती है और गोलगप्पों के साथ। वहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 कप पानी ले लिया है और उसमें 3 से 4 ड्रॉप रेड कलर के ऐड किए हैं और मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब मैंने साथ ही ले लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भर के, और ये कलर मैं उस पानी जो है कलर वाला उसमें ऐड कर दूंगी और एक पेस्ट बना लूँगी अच्छा से। सिर बनाया है, पेस्ट बनाया था कॉर्नफ्लोर का, अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। और अच्छे से बॉयल आ चुके हैं, किसी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए अच्छे से। और ये वही कॉर्नफ्लोर है जो चाइनीज डिशेस में हम यूज़ कर रहे होते हैं और सिंपली अवेलेबल होता है हमारे घर में, इजीली होगा। अब बॉयल आने देंगे ताकि ये ठीक हो जाए। ये प्यारा सा कलर आ चुका है हमारी चटनी का, थोड़े से बॉयल आएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। पकी हमारी चटनी रेडी है, और सेम यही चटनी होती है जो सर्व की जाती है गोलगप्पों के साथ और समोसों के साथ। और ऐसी ही चटनी एक होती है जो हम चाट के साथ भी सर्व करते हैं, लेकिन उसमें डेट्स ऐड होती हैं यानी खजूर ऐड की जाती है। बाकी सेम उसका यही प्रोसीजर है। आप अगर मीठा चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इस टाइम पे। और मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ब्राउन शुगर ऐड की थी, और देख सकते हैं ब्राउन शुगर ऐड करने की वजह से इसके ऊपर कितना प्यारा सा शाइन आया है। और रेड कलर मिक्स करने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं था, इसलिए मैंने रेड कलर ही ऐड किया है। और सेम बाज़ार वाली चटनी हमारे पास रेडी हो गई है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, जल्दी से गोलगप्पों में डालने वाला मसाला हम रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया 2 अदद आलू, उनको बारीक कट कर लिया, साथ ही 1 कप चने इसमें जाएंगे और 1/2 कप जिसमें जा रहे हैं बारीक चॉप हुए प्याज और बारीक चॉप हुआ धनिया। साथ ही मैंने ले लिया 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें, उनमें है 1 टीस्पून चाट मसाला। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है इसे। 1/3 टीस्पून इसमें जा रही है दड़ा मिर्च, 1/3 टीस्पून इसे मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, 1/4 टीस्पून इसमें ऐड हो रहा है नमक, साथ ही 1 लेमन मैं इसमें स्क्वीज कर देती हूँ। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है आप थोड़े से इसमें और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ अब अगर आप चाहें तो इसमें सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हमारी फिलिंग रेडी है, मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब एंड में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़े से अनार के दाने। माशाल्लाह हमारे क्रिस्पी गोलगप्पे तैयार हैं। हमने सर्व किया है गोलगप्पों को खट्टे मीठे पानी के साथ और तीखे पानी के साथ, जिनकी रेसिपी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मैं आपको एक ब्रेड रेडी करके दिखा, चलिए गोलगप्पों की फिलिंग तैयार करते हैं। अब गोलगप्पों में फिलिंग भर लेते हैं जो मैंने आलू और चनों से बनाई थी।
बिल्कुल कपों में फिलिंग ऐड कर दी है। साथ ही साथ अब इसमें ऐड करते हैं जो मीठी चटनी हमने बनाई थी कॉर्नफ्लोर वाली। अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जिस क्वांटिटी में पसंद करते हैं। इसको ऐड कर दिया था दही को, और साथ ही अब मैं ऐड करती जाती हूँ खट्टा मीठा पानी। साथ ही इसमें ऐड करते हैं तीखा पानी, ये बहुत ज़बरदस्त होता है और इसका जो टेस्ट लाजवाब होता है। हमारी गोलगप्पे की प्लेट रेडी है, आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। मुझे उम्मीद है जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए गोलगप्पे या पानी पूरी बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।